हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। शायद ही टीचिंग का कोई एग्ज़ाम है जिसमें इससे रिलेटेड 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछे नहीं पूछा जाता, तो 100% आपके एग्ज़ाम में आना है। चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सी टेट हो, यू पी टेट हो, DSSSB हो, KVS हो, या अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, 2-3 नंबर का ज़रूर पूछा जाएगा इस टॉपिक से, ये 100% श्योर है। तो इसलिए आज की वीडियो में इस पूरे कंटेंट को आपको समझाया जाएगा और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो दूसरे एग्जामों में आज तक पूछे गए हैं, जैसे कि सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार थोड़ा एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं ताकि उन्हें करने में आसानी हो सके। और साथ ही साथ एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब आपके कवर करा दिया जाए, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पहला ऊपर दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ गया था जो कि वीडियो में आगे आपको मिलेगा भी कि NCF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है। उसके बाद अगर बात की जाए, यह विद्यालय शिक्षक का अभी तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया है। मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर HRD मिनिस्ट्री की वजह से पहल पर दो बार आ गया यहाँ पर विकास गलती से HRD मिनिस्ट्री की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए विद्वानों ने तैयार किया था। एक क्वेश्चन इसी में से निकल के आया था कि ये किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो किया गया था प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, जिन्होंने कि एक शिक्षा बिना भार के ये एक प्रदान की थी शिक्षा के क्षेत्र में। ये भी इससे क्वेश्चन है, तो ये भी आप याद कर लीजिए कि प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उदाहरण से होती है। CTET में क्वेश्चन आया था कि NCF की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस उदाहरण से होती है, तो होती है सभ्यता और प्रगति से। CTET में पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं इसके मेन पहलू के बारे में, इसके मेन सिद्धांत के बारे में। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, यानी जो ज्ञान है उसको क्लासरूम में रखकर खाली ना रखकर, स्कूल में ना रखकर उसको बाहरी जीवन से अटैच करा जाए, यानी जोड़ा जाए, वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, यानी रट्टा विधि से पढ़ाई ना कराई जाए, समझ कर पढ़ाई करा जाए, क्योंकि एक बात कन्फर्म मान के चलिए, रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती जितना समझ कर हम उस चीज़ को याद कर पाते हैं। थर्ड है इसमें, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, यानी जो आपका करिकुलम है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना बनकर रह जाए, उसमें अदर एक्टिविटीज़ भी कराइए आप, जैसे कि एक पॉइंट में दिया गया है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। एक बात आप जान लीजिए, साइकोलॉजी में या कोई भी चीज़ हो, उसमें जब तक आप कोई एक्टिविटी के थ्रू या फिर खुद करके नहीं सीखोगे, चाहे आप कितना ही रट लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी एक्टिविटी के जरिए कोई चीज़ करते हो तो वो ज़्यादा समझ में आता है, तो इसलिए कक्ष को भी गतिविधियों से जोड़ा जाए। अगला है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद करने हैं, और ये आपको याद ही करने हैं समझ कर, और अगर आप टीचर बन रहे हो तो आगे आपके फ्यूचर में भी ये काम आएंगे, इनको याद कर लेना। चलिए उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। पहला इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, विद्यालय को राजनीति से मुक्त करना। देखिए, पहला ही गलत सही नहीं है इसमें, क्योंकि दूसरा, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, ये ऊपर मैं अभी बता चुका हूँ। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, ये भी बता चुका हूँ कि आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। थर्ड है इसमें, परीक्षाओं में लचीलापन होना, ये भी बता चुका हूँ। तो इसका पहला हो जाएगा जो सत्य नहीं है, विद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, DSSSB में पूछा गया था। एक बालक को वस्तु को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCF 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। देखिए, NCF ये कहता है बच्चा चाहे किसी भी प्रकार से ग्रसित हो, उसको दूसरे जो बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे, उनके साथ ही पढ़ाना चाहिए, यानी कि समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, समावेशी विद्यालय में उसका एडमिशन होना चाहिए। अगला देखते हैं, हरियाणा टेट में पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। पहला, खुली पुस्तक परीक्षा सुझाया गया है, बिल्कुल। दूसरा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये भी सुझाया गया है। थर्ड है, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये भी सुझाया गया है। तीनों ही सुझाए गए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका D। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात
बातचीत की गई है। पहला, ज्ञान स्थाई है और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती हो। देखिए पहला ही सही है इसमें, दूसरे भी देख लेते हैं। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, नहीं इसकी बात नहीं की गई। विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर, इसकी भी बात नहीं गई। तो आपका आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, जो कि सही है। अगला देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम यानी लर्निंग अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो अधिगम अपने स्वभाव में क्या है, एक तो सक्रिय और एक सामाजिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सक्रिय और सामाजिक। फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, और यही एनसीएफ को आप पढ़ने के लिए किसी कोचिंग में आप एक घंटा दो घंटे क्लास लोगे और यह आपका ये आज की वीडियो में कवर हो जाएगा। आई नो, तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि पहला है यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, सही है। दूसरा है भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए, ये भी सही है। थर्ड है यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएगी, यानी इनमें से सभी। अगले बात कर लेते हैं, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। पहला है भौतिक संसाधनों को अधिक महत्व तो नहीं दिया गया। दूसरा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, ये भी इतना महत्व नहीं दिया गया। थर्ड है बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, ठीक है दिया गया है लेकिन इतना नहीं है। फोर्थ देखते हैं, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, देखिए इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया है वो इसी को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि फोर्थ। अगला देखते हैं, एनसीएफ का पूर्ण सही रूप है, अभी ऊपर मैं बात ही कर रहा था कि एनसीएफ की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो वही पूछ ली। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, अभी बताइए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला देखते हैं, एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर बात सम्मिलित नहीं की आ रही है, सीटेट में काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछते हो जिसमें नहीं है करके पूछते हैं। पहला है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, देखिए यही सम्मिलित नहीं है, पहला ही पॉइंट। दूसरा है रटने को महत्व प्रदान न करना, ऊपर बता चुका हूँ मैं, रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए ये तो शामिल है। पुस्तकों के तर ज्ञान प्राप्त करना, ये भी। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना यानी बाहरी जीवन से जोड़ना, ये भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा जो इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, ठीक है। बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, देखिए जो शिक्षण का गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है एनसीएफ के अनुसार वो यही है आपका। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुगमकर्ता की, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा गया है और दो तीन बार पूछा गया है। तो जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है एक सुविधादाता के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन का आगे। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, नहीं। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, ये पॉइंट ऊपर नहीं बताया था मैंने, तो अब क्वेश्चन में आ गया ये पॉइंट कि ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है। तो पहला दूसरा ऑप्शन यही ठीक है इसमें, तो इसमें आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां एरर्स, बात की जाए इंग्लिश में एरर्स की, इस कारण महत्वपूर्ण होती है। एरर्स गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को पढ़कर फिर चारों ऑप्शन पढ़कर फिर उनके अपने हिसाब से आंसर बता सकते हो, ये भी एक तरीका है आपको समझने का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये सब
टॉपिक आपके कवर करा दिए थे जो कि इससे रिलेटेड पूछे गए थे एनसीएफ से, और आने वाली वीडियो में साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपको चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।